हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिक BS6 रेडिच रेड ओल्ड मॉडल के बारे में और आपकी क्लासिक नेक्स्ट जनरेशन जो हाल ही में लॉन्च हुई है 1 सितंबर पर, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओवरऑल इंजन से लेके आपकी सीट से लेके टैंक से लेके सारे डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट हम प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि प्राइस इसका बढ़ा है तो ये वर्थ इट है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे जो क्लासिक BS6 मॉडल है रेडिश रेड का, इसके बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे आपकी न्यू वाली जेनेक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ से दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कि इसमें मैन फर्क आए हैं, जो आपकी चेंजेस हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर दिख जाता है और ये आपका सिंगल चेसी है, जो कि ये आपका मैन डिफरेंसेस आए हैं आपकी पुरानी वाली से नई वाली में जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये देखिए यहाँ पर किक है और इसका इंजन जो देखेंगे EFI इंजन है, EFI इंजन है, जो कि उसमें आपको नहीं मिलता है। उसमें आपको J सीरीज़ इंजन मिलता है, जो कि नया अभी लॉन्च किया है उन्होंने, जो मिटियोर में पहले आता था अभी उन्होंने इसको इसमें कर दिया है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें क्रोम वर्क थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको उसमें भी इस पर इंडिकेटर वगैरह पे भी। तो अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसका टायर की डायमेंशन जो है वो भी आपको थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगी। जैसे कि अगर इसकी आप डिस्क की बात करेंगे तो ये 280 mm की है और अगर आप फ्रंट टायर की बात करते हैं तो ये 90-90-19 का है। तो आपको ये टायर में भी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ABS देखेंगे तो नॉन ब्रांड ABS आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि लगा हुआ है। और अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो देखिए आपको इंजन में जो आपको दिखेगा ये EFI इंजन कुछ इस तरीके से है दोस्तों, दिख रहा है आपको। और ये इसमें भी आपके गेयर शिफ्टिंग वगैरह तो सेम ही रहेगी, इसमें आपके 5 गेयर रहेंगे, पहला आगे बाकी पीछे। साइड स्टैंड का जो आपका सेंसर आता है वो आपको इसमें भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको देखने वाली है, यहाँ पे आपको पहले बैटरी मिलती थी, जो कि आपको यहाँ पे इसमें पुरानी वाली में बैटरी मिलती है और ये आपका फ्यूज बॉक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें मिल जाती हैं। ये इसमें आपको स्प्रिंग भी मिल जाता है सीट के नीचे, देखिए। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे साड़ी गार्ड है। और अगर हम इसके बात करें पिछले टायर की दोस्तों, तो इसका पिछला टायर जो है आपका 110-90-18 इंच का है, जो कि आपको उस वाली बाइक से डिफरेंस है। तो ये कुछ मेजर हैं, जैसे कि आप इसका ये देखेंगे फुटपैक्स देखेंगे तो देखिए इसका नॉर्मल फुटपैक्स है, जैसे कि नॉर्मल है पहले आता था, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। अब हम अगर बात करें दोस्तों इसके सीट की, जो मैन इसका चेंजेस है सीट की, अगर हम बात करें तो देखिए इसकी सीट में आपको ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। और स्पेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं है दोस्तों, जो कि पीछे बैठने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती है समटाइम। और अगर हम फ्रंट सीट की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। और ये देखिए इसका ये जो है कंफर्ट इसमें है, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो फ्यूल टैंक की बात करें तो आपका सेम रहेगा 13 लीटर का। और ये देखिए नी पैड दिए हुए हैं, नी पैड तो उसमें भी आपको मिलते हैं, जो कि आपके टैंक के सेफ्टी के लिए होता है। और फंक्शन की बात करें तो ये आपका ओल्ड क्लासिक के फंक्शन रहेंगे, इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाता है, इंडिकेटर, पास। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन इसमें आता है, ये आपका इंजन का रहता है, ये आपका रहता है, और ये आपका सेल्फ इस साइड रहता है इसमें। इसमें सारी चीज़ें आपकी अलग डिफरेंट तरीके की हैं, जो कि अगर आप उस वाली में देखेंगे तो थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप मीटर देखेंगे, जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्लासिक नेक्स्ट जेन का मीटर, और इसमें बहुत डिफरेंस है आपको पता ही होगा। इसमें एक और बहुत खास चीज़ है दोस्तों कि इसको आप हैंडल से लॉक नहीं कर सकते, इसको लॉक करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ता है तभी ये लॉक होता है। तो ओवरऑल दोस्तों आप इसे देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है इसके, अगर हम देखिए कुछ इस तरीके से ही आपको दिखेगा। पीछे से अगर हम इसके बैकलाइट की बात करें तो देखिए बैकलाइट भी पुरानी वाली है, जो कि इन्होंने रेट्रो लुक को मेंटेन रखते हुए रखा है, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसका ब्रांडिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा रखा है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड से बाइक को देखेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, देखिए इसका जो चैन सेट है वो आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाता है, जबकि न्यू वाली का आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है। और इंजन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 19.1 BHP का आपका इंजन है 28 NM टॉप के साथ में। तो दोस्तों ओवरऑल हमने बाइक देख ली है, तो चलिए अब हम सुनते हैं इसका साउंड। ये देखिए आपके ओल्ड बाइक का साउंड कुछ इस तरीके से रहेगा अगर आप देखेंगे,
तो ये आपका बेसिक साउंड रहेगा, ये देखिए ये आपका बेसिक साउंड है ओल्ड बाइक का जो कि आप सुन पा रहे हैं, और आपकी गाड़ी की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और अब हम देखते हैं, और अब चलिए हम बात करते हैं न्यू वाली क्लासिक के बारे में। तो अब हम बात शुरू करेंगे न्यू वाली क्लासिक के। तो दोस्तों ओवरऑल क्लासिक आपने पुरानी वाले के बारे में सुन बता दिया है मैंने, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसका देखिए हेड कैप देखेंगे जो कि आपकी लगी हुई है, तो आपको इस वाली में भी मिल जाती है क्रोम में, और उस वाली में भी मिल जाती है, ये देखिए क्रोम में मिल जाती है। बट दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो हेडलाइट है इसमें आपको आरी की ब्रांडिंग मिल जाती है, देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और ओवरऑल अगर आप इस बाइक को देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी हैवी लगेगी। और दोस्तों अगर बात करें कॉमन चीज़ों की, तो आप देखेंगे जो इंडिकेटर दिए हुए हैं ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर्स में, ये कॉमन सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और अदरवाइज़ अगर चेसी की बात करें तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको डुअल चेसी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको मैंने आपको उसमें दिखाया था वो सिंगल चेसी थी। और अगर बात करें टायर डायमेंशन की, तो इसका आपका 190/19 इंच का रहेगा टायर फ्रंट। और इसमें आपको जो देखें आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये है आपका जे सीरीज़ इंजन दोस्तों, जो कि पूरा ही चेंज किया है आरी ने इस बार में, इसी वजह से आपकी बाइक का वाइब्रेशन भी कम हो गया है। और इसमें गियर शिफ्टिंग वगैरह आपका सेम रहेगा, 5 गियर रहेंगे, फर्स्ट आगे बाकी सारे पीछे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसमें आपने उसमें देखा होगा यहाँ पर आपको बैटरी मिली थी, जबकि यहाँ पर इसमें बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी आपकी इस इधर का इसमें कर दी गई है, बैटरी आपका यहाँ पर कर दिया गया है इस वाले में, और फ्यूज़ बॉक्स आपका उस तरफ कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें चेंज की गई हैं दोस्तों, जो कि आपको पता चल गया होगा। अगर हम इसकी बात करें रेयर टायर की, तो रेयर टायर अगर आप देखेंगे तो 120/80/18 का रहेगा आपका ओवरऑल। और ये साड़ी गार्ड के साथ में यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके रेयर टायर के ये जो डायमेंशन है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इसके दोनों ही टायर पिछले वाली ओल्ड वाली क्लासिक से थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, और ये जो आपको दिया है ये बड़ा ही यूनिक, पहले से नहीं था इसमें, जो अभी इसमें ऐड किया गया है बड़ा ही अच्छा लगता है आपको, बाइक स्टैंड करने में भी आपका बेनिफिट रहता है। और ये जो स्पेस देखिए, इस स्पेस की बात कर रहे थे जो कि आपको उस बाइक में नहीं देखने को मिला था, इस बाइक में ये पीछे बैठने वाले के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है। सीट आपकी बहुत ही कंफर्टेबल कर दी गई है, बहुत ही बढ़िया सीट कर दी गई है, फ्रंट रेयर दोनों, या फ्रंट देखेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा कुशनिंग कर दी गई है। और ओवरऑल अगर हम टैंक की बात करें तो टैंक कैपेसिटी आपकी सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं है। और अब चलिए बात करते हैं दोस्तों हम इसके मीटर की, जो कि आप देख चुके हैं, मैं पहले भी आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, आपका फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, अपना कितना किलोमीटर चलाया है वो मिल जाता है, टाइम भी आप इसमें देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आपको टाइम भी देखने को मिल जाता है। और बाकी सारी चीज़ें आपको ट्रिप नेविगेशन वगैरह आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आप इसमें लगवा भी सकते हैं। ये देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने ऐड की है जो आपको उसमें नहीं थी, ये मिटियोर का कॉन्सेप्ट इन्होंने इसमें ऐड किया है, जो कि फंक्शनल है पूरा आपका, ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे जो आपका सेल्फ स्टार्ट वगैरह भी है, ये भी देखिए कुछ न्यू तरीके से इन्होंने कर दिया है, जो कि अपग्रेड किया है, बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। आप भी देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, मतलब रॉयल इनफील्ड ने काम किया है, जनरली अच्छा किया है। हैज़र्ड भी इसमें ऐड कर दिया है, जो कि पहले लोग आफ्टर मार्केट लगवाते थे, वो भी आपका खर्चा बच गया है। और दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें इंजन की, तो इसका 20.2 BHP का इंजन कर दिया गया, जो कि आपके उससे ज़्यादा है, उसका 19 का है, इसका 20 का कर दिया गया है, और वो आपका 28 NM टॉर्क का था, ये 27 NM टॉर्क का है, तो इसको और ज़्यादा इन्होंने इन्हेंस कर दिया है इंजन को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बाइक पे तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर हुआ करता था, वो भी हटा दिया है, किक जो है वो भी रिमूव कर दी है आपका, ये देखिए यहाँ पे इनका फ्यूज़ बॉक्स आ गया है, ये सारा मेटल में, लोग कह रहे थे प्लास्टिक है कुछ भी है ऐसा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा मेटल में है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा बाइक को अपग्रेड किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका साउंड सुनाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका स्टार्टिंग का साउंड है आपकी न्यू क्लासिक का, कुछ इतना साउंड आएगा आपका, बेसिक है ये, स्टार्ट किया गया है, वाइब्रेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा इसमें, ये देखिए साउंड के साथ में आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा इसमें बिल्कुल भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।